दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 27 मई 2024 सोमवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के फॉर्म फिल कर सकते हैं। SER रेलवे, RRC या रेलवे और भी अन्य विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 27 मई 2024 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। SER रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट LP और ट्रेन्स मैनेजर गुड्स गार्ड की 1202 वैकेंसीज निकली है। LP के लिए 827 पद है, गुड्स कार्ड के लिए 375 वैकेंसीज है। इस भर्ती के लिए आप 12 जून 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 5200 से 20200 सैलरी है। LP के लिए 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रेन्स मैनेजर गुड्स कार्ड के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42, 45 और 47 वर्ष अलग अलग कैटेगरी के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। appr-recruit.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे ER रेलवे पूर्वी रेलवे में निकली है। गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, 108 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन की स्टार्टिंग डेट 27 मई 2024 है, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 25 जून 2024 है। लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी है, ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष है, OBC के लिए 45 है, SST के लिए 47 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। RRCER.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकले बंकुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला अदालत के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क UDC, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, सील बेलिप, प्रोसेस सर्वर, ग्रुप डी प्योन, नाइट गार्ड फ्रास की यहाँ पर 99 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए 24 मई से चल रहे हैं, लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 24 जून है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 24 जून 2024 है। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। अपर डिवीजन क्लर्क UDC के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC सील बेलिप के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर ग्रुप डी प्योन नाइट गार्ड फ्रास के लिए 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 500 है, UR अदर कैंडिडेट के लिए जिसमें SST इंक्लूड है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 300 रुपये फीस है। इसी तरह LDC सील बेलिप के लिए 300 और 200 रुपये फीस है। प्रोसेसर ग्रुप डी के लिए 200 और 150 रुपये फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और ई चालान से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका फेज 1 एग्जामिनेशन, फेज 2 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वर्क मैनेजमेंट और राइटिंग स्किल और फेज 3 पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बंकुरा वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, bankura.district.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल SGMH दिल्ली के अंतर्गत निकली है। सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट है, 84 वैकेंसीज है। इसके लिए वॉकिन इंटरव्यू की डेट सीनियर रेजिडेंट नॉन मेडिकल डेंटल के लिए 31 मई है और डेंटल के लिए 4 जून है। 67,700 सैलरी है। MBBS PDA MDS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 45 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। sgmh.delhi.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब है वो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल
RMLH के अंतर्गत निकली है। जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट है, 255 वैकेंसीज है। 5 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 56,100 से 177,500 सैलरी है। MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। UROBC के लिए 800 रुपये फीस है। AWS SST PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न एग्जामिनेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। RMLH.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज के इनके 27 मई 2024 सोमवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।